अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको कपड़े की किस तरह से कटिंग धागा ना निकले उसकी ट्रिक समझा रही हूँ। जैसा कि ये सीज़र होती है हमारी, बिल्कुल जब हम कटिंग करते हैं कपड़े को, बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करते हैं, और चाहे वो कॉटन फैब्रिक हो, ये देखें इस तरह से थ्रेड्स लाजमी निकलते हैं। तो स्ट्रेट कपड़े को कटिंग हल्का सा ना करें, हल्का सा अरेब कर लें। कोई भी कपड़ा, जैसा कि मिसाल के तौर पर हमने ये बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग करना है, जैसे ट्राउज़र की, तो आप हल्का सा तकरीबन पॉइंट से भी कम ऐसे इसको शेप ऐसे ऐसे दे लें, यानी कि मुकम्मल कटिंग के बाद जो आपने मुकम्मल अपना स्टफ जो भी सूट ट्राउज़र कटिंग कर लिया, उसके बाद हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, जो सिलाई का मार्जिन होता है वो नहीं, ये देखें इसको, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे हल्का हल्का सा कट डाल लें ताकि हमारे कपड़े में से कहीं से भी ये थ्रेड ना निकले, ऐसे। फिर इसका इतना इश्यू नहीं होता, और कॉटन का भी, और इसी तरह से रेशमी का भी, कोई भी स्टफ हो, राव सिल्क हो, कतान सिल्क हो, कोई भी सिल्क हो, शफून हो, सब के थ्रेड लाजमी इस तरह से बाहर आते हैं। सिर्फ शेप हल्की सी चेंज करनी पड़ती है, जैसा हमने जो भी कपड़े की कटिंग है, चाहे आड़ी है, तिरछी है, जो भी है, इसको हल्का हल्का सा ऐसे किनारी के पास से, चाहे आप ये स्टिचिंग के बाद भी कर सकती हैं, ओवरलॉक का टाइम नहीं है तो आप सिलाई के बाद जो मार्जिन होता है उसमें से ऐसे 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 कट कर लें, नहीं तो इस तरह की जिगजैग वाली कैंची अक्सर मिल जाती है जिससे इस तरह का स्टफ कट होता है, ये देखें, नहीं तो ये आप ज़रूर यूज़ करें, जो बहुत ज़बरदस्त सी इस्तेमाल में आती है। और ऐसी छोटी छोटी सी ट्रिक के लिए आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरा चैनल स्नैक आईडी और पेज फहमिदा फैशन बुटीक को, जहां आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलेंगे और बहुत सारी ट्रिक भी, और बहुत सारे ऐसे तरीके डिज़ाइनिंग के साथ साथ जो आप सीखना चाहते हैं। अगर इस तरह की छोटा सा ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि इस तरह से जब हम कटिंग के दौरान इस तरह से थ्रेड जगह जगह से कपड़े के निकल आते हैं, या बहुत ज़्यादा, ये देखें कपड़ा, तो इसको हल्का हल्का सा ऐसे हल्का हल्का सा स्टिचिंग के बाद, याद रखें स्टिचिंग के बाद हल्का हल्का सा ऐसे कैंची की मदद से कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा सा जिगजैग की तरह कर लें। अगर आपके पास ये सीज़र मौजूद नहीं है तो उस सूरत में आसानी से ये वाला सीज़र इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।